कोरोना वायरस महामारी के कारण रेलवे कम ही ट्रेनों का संचालन कर रहा है, वहीं अब रेल यातायात पर कोहरे की मार भी पड़ने लगी है। कोहरे के चलते देश के कई हिस्सों में काफी ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके अलावा रेलवे ने कई ट्रेनों के समय में भी बदलाव लिया है। रेलवे ने तय किया कि 31 जनवरी तक इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। यदि आप इन ट्रेनों में सफर करने की तैयारी कर रहे हैं तो पहले सूची को देख लें। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 16 दिसंबर से 1 जनवरी तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें गोरखपुर आनंद विहार टर्मिनल ट्रेन संख्या 02571 16 20 23 27 30 और 3 6 10 13 7 20 24 जनवरी 27 और 31 जनवरी के बीच सभी बुधवार और रविवार को रद्द रहेंगी। वही आनंद विहार टर्मिनस गोरखपुर ट्रेन संख्या 02572 17 दिसंबर 21 दिसंबर 24 दिसंबर 28 दिसंबर और 31 दिसंबर को बंद रहेगी। वही जनवरी के महीने में 4 जनवरी 7 जनवरी 11 14 18 जनवरी 21 जनवरी और 25 जनवरी के बीच सभी सोमवार को गुरुवार को ट्रेनें रद्द रहेंगी। भारतीय रेलवे ने कोहरे की वजह से कुछ ट्रेनों को आंशिक निस्तारित किया है। इनमें गोरखपुर कानपुर अनवरगंज 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक प्रयागराज रामबाग से कानपुर अनवरगंज के बीच रद्द रहेंगी। वहीं कानपुर अनवरगंज गोरखपुर ट्रेन 16 दिसंबर से 31 जनवरी तक कानपुर अनवरगंज प्रयागराज रामबाग के बीच रद्द रहेंगी। कुछ ऐसी भी ट्रेनें हैं जिन्हें किसान आंदोलन के कारण रद्द किया गया है। आंदोलन के कारण पंजाब की कुछ ट्रेनों को रद्द किया गया है। रेलवे ने अमृतसर दरभंगा ट्रेन को रद्द कर दिया है। ये ट्रेन अमृतसर से 13 दिसंबर को रवाना होने वाली थी। इसके अलावा अमृतसर जयनगर अंबाला और जयनगर अमृतसर अंबाला को रद्द कर दिया गया है।